हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सो इट्स टाइम फॉर मैथ ऑफ क्लास 8th एंड इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड सेकंड लेसन दैट इज अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड वी हैव अंडरस्टूड द व्हाट आर एक्सपोनेंट्स। टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स के कुछ नियम हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहला लॉ है एडिशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये जो पहला लॉ है हमारा, ये कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है बी, ठीक है, और उसके दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं पी और क्यू, अगर कोई रेशनल नंबर है बी और उसके पी और क्यू कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, b की पावर p इंटू बी की पावर q, और इस तरह हमारा वो दिया हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b पावर p प्लस q। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम उन दोनों, और बेस दोनों के सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हम बेस को कॉमन लेकर के पावर को ऐड कर देते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, 2/3 की पावर 2 प्लस 2/3 की पावर 2 इंटू 2/3 की पावर 5, ये दिया हुआ है जैसे हमारा। अब हम देख रहे हैं हमारे पास ये चीज़ सेम है, तो जब सेम है तो हमने इसको कॉमन ले लिया। अब इनकी जो पावर्स हैं तो इनको हम ऐड कर देंगे, तो हमारा हो गया 2/3 की पावर 7 एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट लॉ है सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स वही चीज़ की, अगर बी हमारा कोई रेशनल नंबर है और पी और क्यू इसको कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जहां पी आपका क्यू से बड़ा है, तब हम क्या करेंगे। तो जो सेकंड लॉ है वो, अगर बी की पावर पी डिवाइडेड बाई बी की पावर क्यू, पिछले वाले मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पर डिवाइड आया, तो अब जब डिवाइड हो रहा हो और बेस कॉमन हो, तब हम बेस को कॉमन ले लेते हैं और पावर को हम लोग माइनस कर देते हैं। वही चीज़ है कि 2/3 की पावर 5 डिवाइड बाई 2/3 की पावर 2, तो 2/3 को हम जब कॉमन ले लिया, फिर हम पावर को माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 2, तो 2/3 की पावर 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स है। थर्ड लॉ है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट हमारा कहता है कि अगर b कोई रेशनल नंबर हो और p और q उसके कोई तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तब मतलब कि b की पावर p की पावर q हमारा ऐसा कुछ दिया हुआ है, तब यहाँ ध्यान दीजिए, b की पावर p हमारा ब्रैकेट के अंदर और q ब्रैकेट के बाहर पावर में लगा हुआ है, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, b की पावर p इंटू क्यू, हम इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर। जैसे हमारा 2 की पावर 3 की पावर 4 दिया हुआ है, क्लियर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 4, या फिर 2 की पावर 4 इंटू 3 होता है 12। ये हो गया फोर्थ लॉ कि अगर b हमारा कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तब कि b अगर हमारा कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तब तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर जीरो के अलावा, और कभी भी अगर उसकी पावर जीरो है, कोई भी नंबर है और उसकी पावर अगर जीरो है, तो हमारा आंसर हमेशा वन होगा, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो। जैसे 99 की पावर जीरो तो भी आंसर वन होगा,
चाहे जितना छोटा नंबर हो, और अगर पावर जीरो है तो आंसर वन होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ लॉ है कि अगर ए और बी कोई दो रेशनल नंबर हैं और पी उनमें उनका पॉजिटिव इंटीजर है, तब मतलब कि ए की पावर पी इंटू बी की पावर पी ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हम यहाँ देख रहे हैं बेस दोनों की अलग है और पावर दोनों की सेम है, तब हम क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी, बेस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 ऐसा कुछ हमारे पास दिया हुआ है, तब हम बेस को कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू 3 की पावर 4 ये हो गया। या फिर अगर हमारा 1/2 की पावर 5 है इंटू 3/5 की पावर 5 है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तब हम 1/2 इंटू 3/5 की पावर 5 मल्टीप्ल, इसको भी आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 2 × 3 की पावर 6 की पावर 4, इसी तरह इसको भी कर सकते हैं, तो 1 × 3/2 × 5 की पावर 5, तो 3 × 1 हो गया 3/10 की पावर 5। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ लॉज, इनको पढ़िएगा समझिएगा। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक करना है, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 से बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन बताऊँगा वैसे ही आपको सारे करने हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट है, -2 × 1/2 3 ये करना है हमें। तो -2 × 3 है, तो -2 × -2 × -2 थ्री टाइम्स हमने ब्रेक मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 1/2 3 है, तो 1/2 × 1/2 × 1/2 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 हो गया हमारा माइनस का 8, × 1 × 1 × 1 हो गया 1/2 × 2 × 2 हो गया 8, तो -8 × 1/8 8 से हमारा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा -1, तो -1 × 1 हो गया हमारा -1, एंड दिस इज आवर आंसर। ऐसे ही सारे करने हैं। लास्ट वाला बता रहा हूँ मैं आपको, -6/7 3 या इसको हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो अभी हमने रूल देखे हैं समझे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे ये भी सही है आपका, और अगर हम दूसरे मेथड से करेंगे तो -2/3 × 1/2 3 तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये और ये हमारे कॉमन है, वो सॉरी अलग अलग है, और पावर्स हमारी सेम है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को फिफ्थ लॉ जो बताया उसमें क्या बताया कि अगर पावर सेम होती है तो हम बेसिस को ले लेते हैं और पावर को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा -2 × 1/2 3 तो -2 × 1 हो गया -2/2 3 2 से 2 कैंसिल, तो -1 3 तो -1 3 आ गया हमारा आंसर -1। तो आप लोगों को ये सारे सारे रूल्स के अकॉर्डिंग करने हैं। फोर्थ वाले में बता रहा हूँ आपको, फोर्थ का फोर्थ, इसमें -6/7 3/3 5 यहाँ पे हमारा ये चीज़ दिया हुआ है, बेस भी अलग है पावर भी दोनों में अलग है, तब हम ब्रेक कर लेंगे, तो -6/7 × -6/7 × -6/7
अब इसको हमने इनटू में कन्वर्ट कर दिए, तो अभी ये नहीं करिए। माइनस सिक्स अपॉन सेवन की पावर थ्री, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में किया तो ये थ्री हमारा वन अपॉन थ्री की पावर फाइव हो गया। अब कर दीजिए तो माइनस सिक्स अपॉन सेवन इंटू माइनस सिक्स अपॉन सेवन इंटू माइनस सिक्स अपॉन सेवन, ये थ्री टाइम्स हमारा ब्रेक हो गया इंटू। अब इसको फाइव टाइम्स ब्रेक करिए, वन अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन थ्री। अब जितने भी न्यूमरेटर हैं उन सभी को एक साथ रख दीजिए, माइनस सिक्स इंटू माइनस सिक्स इंटू माइनस सिक्स इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन। डिनोमिनेटर को साथ में रख दीजिए, सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। देखिए किसी से कुछ कट रहा है तो थ्री से सिक्स कट रहा है, माइनस टू आ गया, थ्री से सिक्स कट रहा है माइनस टू आ गया, थ्री से सिक्स कट रहा है माइनस टू आ गया, तो आपका माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू आ गया माइनस एट इंटू वन इंटू वन इंटू वन वन अपॉन। इनको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, थ्री फोर्टी थ्री इंटू नाइन, तो माइनस एट अपॉन ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, इसको भी बता रहा हूं, इसको ये बता रहा हूं आप लोगों को, फिफ्थ का सेकंड। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, माइनस टू अपॉन थ्री की पावर फोर इंटू माइनस टू अपॉन थ्री की पावर थ्री इंटू माइनस टू अपॉन थ्री की पावर थ्री। अगर आप लोग देखेंगे तो जो बेस है हमारे वो सेम है और पावर हमारी अलग है, तो हम क्या करेंगे कि बेस को हम कॉमन ले लेते हैं और पावर को हम ऐड कर देते हैं, तो फोर प्लस थ्री प्लस थ्री, तो माइनस टू अपॉन थ्री, फोर थ्री सेवन थ्री टेन, ये आप लोगों का हो गया आंसर। तो ऐसे आप लोगों को ये करना है, ये भी बता रहा हूँ इसका। फिफ्थ का फोर्थ, थ्री अपॉन फाइव की पावर थ्री होल पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री अपॉन फाइव की पावर टू होल पावर थ्री। तो हमारे यहाँ पे देखा जाए तो दो चीज़ें बन रही हैं, एक ये की पावर ये इधर और इधर टू, एक पावर टू है और एक पावर थ्री है। तो हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा थ्री की पावर फाइव, थ्री अपॉन फाइव की पावर थ्री की पावर थ्री दिया हुआ है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। और जब हमारा ऐसे किसी फॉर्म में दिया होता है कि ए की पावर पी की पावर क्यू, तब हम क्या करते हैं ए की पावर पी इंटू क्यू कर देते हैं। तो यही चीज़ करेंगे कि थ्री अपॉन फाइव की पावर थ्री इंटू थ्री कर देंगे, तो थ्री अपॉन फाइव की पावर थ्री इंटू थ्री डिवाइड बाई इधर भी थ्री अपॉन फाइव की पावर टू इंटू थ्री, तो थ्री अपॉन फाइव की पावर नाइन डिवाइड बाई थ्री अपॉन फाइव की पावर सिक्स। अब बेस दोनों में कॉमन है, पावर अलग है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम बेस को कॉमन ले लेंगे थ्री अपॉन फाइव और पावर को हम लोग माइनस कर देंगे, तो थ्री अपॉन फाइव की पावर नाइन माइनस सिक्स हो गया थ्री, एंड दिस इज योर आंसर। अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, इस पावर थ्री है, अगर थ्री अपॉन फाइव इंटू थ्री अपॉन फाइव इंटू थ्री अपॉन फाइव करके
आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 3393 27/125 आप लोगों का ये आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल। तो करिएगा इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज में, पहले रफ कॉपी उसके बाद फेयर कॉपी, और किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।